हे गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत है माय यूएक्स डिजाइन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एडोबी एक्सडी के बारे में। एडोबी एक्सडी 2018 ने न्यू अपडेट किया, उसमें आपको 8 पॉइंट जो है से अपडेट हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनवरी 22, 2018 को एडोबी एक्सडी ने 4 अपडेट दिए हैं। थर्ड पार्टी वर्कफ्लो इंटीग्रेशन, जिसमें आप हैंडसॉफ्ट डिजाइन डेवलपर को आसानी से देख सकते हैं। स्लाइसिंग एक्सपोर्टिंग करने का सॉल्यूशन डायरेक्ट आप जेपलिन में कर सकते हैं, एवो कोड में कर सकते हैं, सिंपली में कर सकते हैं, प्रोटोपाई में कर सकते हैं। उसी तरह से बेटर जूम परफॉर्मेंस है। 1008 बोर्ड एक ही फाइल में अगर आपको एडोबी एक्सडी में है तो आसानी से उसको जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने सारे आर्ट बोर्ड यहां पे हैं, थाउजेंड्स ऑफ आर्ट बोर्ड है। बहुत ही फ्रीक्वेंटली आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। रेंडरिंग बहुत ही आसानी तरीके से कर लेता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है ये एडोबी एक्सडी का, और इसमें मोबाइल और वेब प्लेटफॉर्म पे अगर कहा जाए तो सबसे नंबर 1 एप्लीकेशन माना जाता है। इसके बाद जो चेंज हुआ है वो है ड्रॉप बॉक्स प्रीव्यू फॉर एक्सडी फाइल। यदि आप ड्रॉप बॉक्स में एडोबी एक्सडी फाइल को रखते हैं तो वहाँ पे पूरे प्रीव्यू आप देख सकते हैं, पूरे आर्टबोर्ड का जितने भी स्क्रीन है, जस्ट लाइक आप PNG और JPG जैसा वहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं ड्रॉप बॉक्स प्रीव्यू में एक्सडी फाइल का। उसके बाद अपडेट हुआ है स्विच बिटवीन कलर मोड। आप अब कलर मोड एडोबी एक्सडी में आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले देखे होंगे कि केवल HEX था, लेकिन अब आप RGB मोड, HSV मोड, अलग अलग कलर पीकर वाला जो आपका पैनल है कलर प्लेट वाला, उसमें आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको वीडियोज में और भी डिटेल में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। उसके बाद है रेडियल ग्रेडियंट। आप रेडियल ग्रेडियंट में अब जो है, जैसे कि आप लीनियर ग्रेडियंट था तो अब रेडियल सर्कल टाइप के ग्रेडियंट आप सॉलिड शेप में आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट डिजाइन एस्पेक्ट्स, और ये थर्ड पार्टी के अलावे, यहाँ पे जेपलिन के अलावे बीटा वर्जन में आप डायरेक्ट डिजाइन को एक्सपोर्ट पब्लिश कर सकते हैं डिजाइन एस्पेक्ट्स में, जहाँ पे आप हैंडसॉफ्ट डिजाइन के लिए डेवलपर को आसानी से दे सकते हैं। वहाँ पे आप कमेंट भी डिजाइन के स्क्रीन्स पे, एक पार्टिकुलर डिजाइन के स्क्रीन्स पे बैच लगा करके कर सकते हैं और उसको अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्प्ले आर्टबोर्ड एट 100%। अब आप व्यू डिजाइन शेयर प्रोटोटाइप एट एक्चुअल साइज में 100% में आप देख सकते हैं। और लास्ट अपडेट जो है बैच एक्सपोर्ट। पहले क्या था कि आप जब भी कोई इमेज एक्सपोर्ट करना होता था तो उसके लिए आपका कोई ऑप्शन नहीं था एक्सपोर्ट करने का, और उसके लिए प्रॉब्लम होता था। तो अब क्या है कि आसानी से आप लेयर पे ही एक सेटिंग है जहाँ पे आप आराम से आसानी से कोई भी ऑब्जेक्ट को या आर्टबोर्ड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर च्वाइस। और इसके बाद मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे ये वर्क कर रहा है, तो आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको शो करने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जनवरी 2018 में अपडेट ऑफ एडोबी एक्सडी का ये फीचर है, जो कि आप ड्रॉप बॉक्स में भी आसानी से एक्सडी फाइल को प्लेस कर सकते हैं, जेपलिन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने डिजाइन एसेट्स को, और हैंडसॉफ्ट डिजाइन के लिए आप डेवलपर को आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं, और डेवलपर वहां से ऑटोमेटिक इमेज का स्लाइसिंग, क्रॉपिंग और जितने भी एसेट्स हैं वो 1x 2x और SVG और PDF वहां से गेन कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी प्लगइन में जेपलिन है, सिंपली है, प्रोटोपाई है, माइक्रो एनिमेशंस के लिए भी ये सपोर्ट कर रहा है अब एडोबी एक्सडी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जेपलिन में कैसे एसेट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं,
ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर टूल्स है जेपलिन, जिसके बारे में भी मैं आपको वीडियोज प्रोवाइड करूंगा, और ये आपके डिजाइन के अफॉर्ट को 40% रिड्यूस कर देता है और उसमें आपको टाइम को सेव कर देता है। इसके बाद है बैच एसेट्स में, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इमेज को, अगर एक्सपोर्ट करना है डायरेक्ट तो वहाँ से सेलेक्ट करना है और कमांड अल्ट शिफ्ट कमांड ई प्रेस करना है, और जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है या शेप है उसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्विकली, जस्ट लाइक फोटोशॉप। उसके बाद है ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस फ्रॉम लार्ज फाइल है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जूम इन जूम आउट करने से ये आसानी से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इसमें कोई भी रेंडरिंग में इश्यूज नहीं होता है। थाउजेंड्स ऑफ आर्ट बोर्ड को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं एक फाइल में, क्योंकि एडोबी एक्सडी बहुत ही लाइट है। उसके बाद है ड्रॉप बॉक्स प्रीव्यू एक्सडी फाइल, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सडी फाइल का प्रीव्यू टोटल दिख जाता है, तो एडोबी एक्सडी में आप फाइल को एक्सपोर्ट करके देख सकते हैं। उसके बाद बताया था कि स्विच बिटवीन कलर मोड में HEX RGB एंड RGBY, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि आप प्रीव्यू में देख रहे होंगे कि कलर आप कैसे चेंज करते हैं, तो ये फीचर जो है से अपडेट हुआ है। उसके बाद रेडियल ग्रेडियंट है, रेडियल ग्रेडियंट में आप देख सकते हैं कि ये न्यू फीचर ऐड हुआ है, तो एडोबी एक्सडी आप अपडेट कर लेंगे और आज ही अपडेट हुआ है इसलिए मैं ये अपडेट न्यूज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जब आप अपडेट करेंगे तो इस तरह का आप वहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिजाइन में। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट ऑफ डिजाइन एस्पेक्ट्स बीटा, तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, आर्ट बोर्ड डिस्प्ले 100% फुल स्क्रीन में आप आर्ट बोर्ड को डिस्प्ले एट 100% पे कर सकते हैं। बैच एक्सपोर्ट में कैसे आप बैच क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि जब आर्ट बोर्ड आप क्रिएट करते हैं या डिजाइन बनाते हैं अलग अलग स्क्रीन में, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन्स पे या शेप को अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लेयर पैनल है जो कि आप एरो के द्वारा देख रहे होंगे, एरो थ्री एरो है अलग अलग लेयर पे, तो उस पे जैसे ही माउस आप ले जाएंगे ओवर ओवर एक्शन पे ये शो हो जाता है, उस पे आपको क्लिक कर देना है तो ये ऑटोमेटिक समझ लीजिए कि एक्सपोर्टेबल हो जाता है। उसके बाद आपका जैसा कि जेपलिन है, तो जेपलिन के थ्रू या और भी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, जैसे कि मैंने बताया जेपलिन, एवो कोड, सिंपली प्रोटो एनिमेशंस टाइप का है, उससे उसमें आप डायरेक्ट इस एसेट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज आपको काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी इससे आपको हेल्प होगा, और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।